वर्तमान में नई दिल्ली में जहाँ पर पांडवों का पुराना किला स्थित है, उसी स्थान को इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थिति माना जाता है। पुराने किले के भीतर कई स्थानों का संबंध पांडवों से बताया जाता है। यह दिल्ली का सबसे प्राचीन भाग है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक गांव आज भी इंद्रप्रस्थ की स्मृति के अवशेष के रूप में स्थित है। इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के पुराने नगरों में से एक था जो पांडवों के राज्य हस्तिनापुर की राजधानी था। आज इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र दिल्ली में यमुना के किनारे पर स्थित है। इंद्रप्रस्थ नगर को द्वारका के समकालीन माना जाता है। उस समय नगरों का निर्माण जंगलों को काटकर किया जाता था। इंद्रप्रस्थ भी इन्हीं नगरों में से एक था। इंद्रप्रस्थ वैभव और समृद्धि की दृष्टि से मथुरा और द्वारका के समान ही था। जहां इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया गया था, पहले उस स्थान पर एक वन था जिसे महाभारत में खांडव प्रस्थ कहा गया है। पांडवों ने इस वन को काटकर इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना की थी। उस समय नगरों का निर्माण नदी, पर्वत और सागरों के किनारे अनुकूल स्थान को चुनकर किया जाता था। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र से आधा राज्य प्राप्त करने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी को प्राचीन राजधानी खांडव प्रस्थ के स्थान पर बसाया था तथा दुर्योधन की राजधानी इंद्रप्रस्थ से लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ खांडव प्रस्थ पहुंचकर इंद्र की सहायता से इंद्रप्रस्थ नामक नगर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। इंद्रप्रस्थ नगर के चारों ओर समुद्र की तरह जल से भरी हुई खाइयां बनाई गई थी जो इंद्रप्रस्थ नगर की रक्षा करती थी और शोभा को भी बढ़ाती थी। इंद्रप्रस्थ नगर की ऊंचाई को देखकर लगता था कि इसकी ऊंचाई आकाश को छूती हो। इस नगर को सुंदर बनाने के साथ साथ इसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया और उसका विशेष प्रबंध किया गया। इस नगर में अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास की पूरी व्यवस्था थी। इंद्रप्रस्थ में सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को जानने वाले लोग रहते थे। नगर के चारों ओर बगीचों का निर्माण भी कराया गया था। इंद्रप्रस्थ का सबसे रोचक वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार यह कई सुंदर खाइयों से घिरा हुआ नगर था। नगर की सुरक्षा के लिए प्रसाद की चोटी पर विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र पहले से ही इकट्ठा कर लिए गए थे। यहाँ के सरोवरों का जल खिले हुए कमलों के द्वारा सुगंधित रहता था। जगह जगह पर अनेक प्रकार के उपवन भी थे जो फल पुष्प से भरे थे। नगर के भीतर विभिन्न भागों में मन को आकर्षित करने वाली चित्रशालाएं बनी थी। युधिष्ठर ने राजसूय यज्ञ इंद्रप्रस्थ में ही करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों ही नगरों पर युधिष्ठर का शासन स्थापित हो गया था। हस्तिनापुर के गंगा की बाढ़ से बह जाने के बाद 900 ईसा पूर्व के लगभग जब पांडवों के वंशज कौशाम्बी चले गए तो इंद्रप्रस्थ का महत्व भी समाप्त हो गया।